निकलो बाहर मकानों से, आपका थोड़ा भूख कम हो गया, थोड़ा और मकानों से, दोनों हाथों पर बढ़ के निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, विधवाओं की पेंशन बहाल करो, विकलांगों की पेंशन जुबा राजपूत नेताओं को रिहा करो, जुबा राजपूत नेताओं को रिहा करो, जुबा राजपूत नेताओं को रिहा करो, जुबा राजपूत नेताओं को रिहा करो। 5000 ये सरदार जी हमारे पास खड़े हैं, एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो सरदार जी बताइए कितना बिल आया आपका? अच्छा 5000 रुपया आ गया। तो इस तरीके से देखिए ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, ये जो भी नए रिक्शे आए हैं 200-300-400 की दिहाड़ी बनती होगी, तो 5000 के बिल ये बंद होने चाहिए। एक महीने का बिल आई आपके सामने है। लोग ऐसी सड़कों पे नहीं है, लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धरना प्रदर्शन ये जो एक हमारी अंधी और बहरी सरकार है उसके खिलाफ है। अंधी सरकार इसलिए है कि जम्मू के अंदर इतना बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार सब कुछ देख के अनदेखा कर रही है। बहरी सरकार इसलिए कि लोग चीख चीख के माइक लेके बोल रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने की बजाय उसको अनसुना कर रही है। तो आज उसी के विरोध में एक रोष रैली निकाली गई, जहां पे तमाम वार्डो के लोग इकट्ठे हुए, उन सब ने मिलके बुजुर्ग बहने माताएं बच्चे सब इस रोष रैली में शामिल हुए हैं, जो आज जम्मू की जनता के ऊपर जो उनको सुनहरे दिनों के वायदे करके, अच्छे दिनों का वायदा करके जो उनको ठगा है, जो उनको लूटा है, उसके विरोध में आज ये रैली निकाली गई। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर्स को लेके आज हर जगह पे एक दहशत का माहौल बना हुआ है, हर किसी के आज लोग पंखा तक नहीं लगा रहे, बिजली बंद कर देते हैं, एसी लगाते ही नहीं है, लोग इतने डर गए हैं कि उसके बावजूद भी आज के पेपर की न्यूज है अमर उजाला की, एक बल्ब और एक पंखा 3000 रुपया बिल महीने का। और भाई मेरी बात सुनो कि इस तरीके से इतने बिल कहां से देंगे? हमारी सरकार से ये डिमांड है, जो इतने लोग आज बाहर निकले हैं, ये इसलिए निकले हैं कि इन मीटरों के ऊपर कोई जांच की जाए, इन मीटरों के ऊपर कोई जांच की जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से हिमाचल के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर सरकारें जो जिस तरीके से बिजली के यूनिट फ्री दे रही है, तो जम्मू कश्मीर जहां पे बिजली की पैदावार होती है, जहां बिजली बनती है, बड़े बड़े जहां पे प्रोजेक्ट है, तो उनको अगर यहां पे भी कम से कम 400 यूनिट जो बिजली फ्री होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से युवा राजपूत नेताओं को बलपूर्वक हिरासत में लिया गया है, सरकार का एक बड़ा कायरतापूर्ण जो कदम है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द उन नेताओं को रिहा किया जाए जो बिल्कुल एक जेन्युइन डिमांड उठा रहे थे। सरकार किसी गलतफहमी में है, शायद मुझे सोचते हैं कि हम इस तरीके से लोगों को डरा लेंगे, धमका लेंगे, लोग डर जाएंगे। जम्मू का डोगरों का इतिहास रहा है, आपने सुना भी होगा कि अस डोगरे आखने या शाना करने, अहां जीती जाने जंगला तुम शाना करने, डरने वाले कौन नहीं है, अपने हक के लिए लड़ेगी और बिल्कुल डट के लड़ेगी, मुकाबला करेगी इन ताकतों का, और जो गुंडा राज यहां पे नहीं चलने देंगे, यही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।